शेरशाह सूरी सुर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखी जा चुकी है। उसने अपनी वीरता के बल पर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और हिंदुस्तान पर हुकूमत की। वो एक वीर योद्धा था। योद्धा की मौत अगर युद्ध के मैदान में हो तो ये गर्व की बात होती है, और शेरशाह सूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कालिंजर युद्ध में घायल हुआ लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा, अंत में उसकी मौत हो गई। आज हम उसी साहसी और पराक्रमी योद्धा का मकबरा आपको दिखाने जा रहे हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार रोहतास जिले के सासाराम में है। शेरशाह का ये मकबरा एक विशाल सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ये मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था लेकिन पूरा उनकी मौत के 3 महीने बाद हो पाया। शेरशाह की मौत 13 मई 1545 को कालिंजर किले में हो गई थी और मकबरे का निर्माण 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ। फिर शेरशाह के शव को कालिंजर से लाकर यही दफनाया गया था। इस मकबरे में 24 कब्रें हैं और शेरशाह सूरी की कब्र ठीक बीच में है। ये मकबरा भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने ऐतिहासिक महत्व और बेजोड़ स्थापत्य कला के कारण ये देश के मशहूर पुरातात्विक धरोहरों में से एक है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने इस मकबरे का डिजाइन तैयार किया था। करीब 52 एकड़ में फैले सरोवर के बीच में स्थित ये मकबरा 122 फीट ऊंचा है। बीजापुर गुंबद के बाद शेरशाह सूरी के मकबरे का गुंबद दूसरे नंबर पर आता है। इस मकबरे तक जाने के लिए 350 फीट लंबा एक पुल है जो एक बड़े चबूतरे तक जाता है। ये चबूतरा पानी की सतह से 30 फीट की ऊंचाई पर है। इसी चबूतरे के बीच में 135 फीट व्यास वाला अष्टकोणीय मकबरा है। यह मकबरा 3 मंजिला है। अष्टकोणीय मकबरा के किनारों पर 8 स्तंभ वाले छोटे गुंबद बने हुए हैं। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि शेरशाह ने सिर्फ 5 साल दिल्ली की गद्दी पर शासन किया लेकिन इस दौरान उन्होंने कई शानदार काम किए और देश को कई नायाब तोहफे दिए। देश में सबसे पहले रुपए की शुरुआत उन्होंने ही की थी और उन्होंने ही संदेश भेजने के लिए डाक व्यवस्था को विकसित किया। उनके शासनकाल में ही बंगाल से काबुल तक शेरशाह सूरी पथ का निर्माण किया गया जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से मशहूर हुआ। इसे नेशनल हाईवे 2 के नाम से भी जानते हैं।